शिमला से खबर आपको बता रही है। प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम ने बैठक की है। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लोक अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिन होने वाली है। HPTDC को हर होटल में ई चार्जिंग लगाने के निर्देश दिए गए। पर्यटकों के इलेक्ट्रिक वाहनों को सुविधा मिलेगी। हिमाचल और केंद्र सरकार के बीच MOU हो गया है। बिजली महादेय रोपवे को लेकर यह MOU हुआ। कुशल कामगारों के डाटा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। श्रम एवं रोजगार कार्यालय को भी निर्देश दिए गए। विदेशों में तलाशे जाएंगे रोजगार के अवसर, सीएम ने कहा। बैठक के बाद नरेश चौहान ने ये जानकारी दी। लेबर डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जो अभी हालात बने हैं, हाल ही में हमारे सामने भी ऐसी बातें आई कि भाई इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हुआ उसके बाद वहां पर मैन पावर, लेबर या ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड हमारे देश से है। बहुत बड़े पैमाने पे आप कहें कि वहां पर हर तरह के लोगों की, काम करने वाले लोगों की जरूरत है और लोग वहां चाह रहे हैं। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दिए कि इसको एक्सप्लोर करें कि हम इन देशों में किस तरह से अपने लोगों को भेज सकते हैं और लेबर डिपार्टमेंट को इसका अपना डाटा तैयार करके जल्दी से जल्दी, जैसे आप माने कि जो हमारे पास स्किल्ड है, जैसे नर्सिंग है, जो लड़कियां नर्सिंग का अपना कोर्स करा हुआ है, कंप्लीट है, वो अच्छा रोजगार बाहर लेना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट में पूरा अपना एक डेटा तैयार करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग बैठे हैं, उनका एक पूरा डेटा बैंक तैयार करेंगे। उसके बाद उनको आगे उनकी जो एम्बेसीज है हमारे देश में, तो उनके साथ हमारे लोग ऑफिसर संपर्क करेंगे कि आपको किस तरह के लेबर की या लोगों की या मैन पावर की जरूरत है, उसके हिसाब से हम अपने लोगों का एक बैंक बना के उनको गाइड करेंगे। एक हमारी पिछले दिनों ये बात हुई थी कि हम एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे जहां पर कम से कम 6 डॉक्टर्स हमारे होने चाहिए। हमारी सरकार ने एक कि हर कॉन्जेंसी में हम जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करें, उस शुरुआत हुई है। उसमें तकरीबन 35 जगह ऐसे संस्थानों में 6-6 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। उसके अलावा टोटल ये 50 है। कुछ जगह अभी 5 हुए हैं, कुछ जगह 4 हुई, और इसको भी जल्दी 6 कर रहे हैं मिनिमम। ये हमने एक सोच सरकार की यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रूरल एरिया में हमारे पास डॉक्टर्स होंगे, और जो हमारा लोड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे या अपने स्टेट हॉस्पिटल पे, वो निश्चित तौर पे कम होगा जब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी, डॉक्टर्स बैठेंगे,